विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे बंसी विभूषित करा नवनीर दाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णा पदम किमपि तत्त्वमहं न जाने धेयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हरे कृष्णा। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो कि भगवान की कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। भगवान श्याम सुंदर का विशेष कृपा है हम लोगों के ऊपर, क्योंकि बिना भगवान के कृपा के कोई भी व्यक्ति कथा नहीं सुन सकता है। भगवान की विशेष कृपा जिसके ऊपर होती है वही व्यक्ति कथा को सुनता है। हम लोग वास्तव में भाग्यशाली हैं कि हमेशा कथा कहते हैं, सुनते हैं। कल हम लोग दूसरे जगह कथा किए और यहाँ के भक्त भी गए थे दूसरे जगह कथा सुनने के लिए, और आज यहाँ कथा हो रही है। इसी तरह हमेशा सुनना चाहिए, अपने को इसी तरह व्यस्त करना चाहिए। अगर कोई हमेशा इसी तरह अपने समय को बिताएगा तो समझिए कि वो निश्चित भगवान को प्राप्त करेगा। भागवत ही एक ऐसा शास्त्र है, ग्रंथ है, पुराण है कि जिसमें अब अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य पुराण, अन्य शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें कुछ न कुछ कपट युक्त बात कही गई है। अन्य पुराणों में धर्म के विषय में बताया गया है, भगवान के विषय में बताया गया है। थोड़ा ध्यान देकर के सुनिएगा आप लोग, लेकिन उसमें कुछ कपटपूर्ण बात कही गई, कुछ छिपा दिया गया है। सही ढंग से जिस रूप में बताना चाहिए उसमें नहीं बताया गया है, लेकिन भागवत में कपट वाला कोई भी चीज नहीं है। इसीलिए वेदव्यास जी भागवत के दूसरा श्लोक में ही कहें कि निर्मत सदाणाम सदा। यह भागवत जो है इसमें किसी प्रकार का कोई मात्सर्य है ही नहीं, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है।
आप कहीं से भी निकालिए, कोई भी श्लोक पढ़िए, कहीं से चालू कीजिए, उसमें केवल भगवान के विषय में बताया गया है। और इसलिए बताया गया कि नारद जी पहले ही व्यासदेव जी को कह दिए कि हे व्यासदेव जी, तुम जीवन में बहुत कुछ किए, लेकिन जिस रूप में भगवान का वर्णन करना चाहिए था वैसा आपने नहीं किया। 17 पुराण आप लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, वेद लिखे, सब कुछ, लेकिन जिस रूप में भगवान की महिमा गुणानुवाद होना चाहिए, वर्णन होना चाहिए, वैसे आपने नहीं किया। तो वास्तव में आप सुखी होना चाहते हो, आप आनंद में रहना चाहते हो, तो एक ऐसे शास्त्र की रचना करो, ऐसे ग्रंथ लिखो जिसमें केवल विशुद्ध भगवान की महिमा हो, इसके अतिरिक्त और कुछ भी न हो। तो वेदव्यास जी अपने जीवन के अंतिम कमाई, अब इसके बाद कोई भी काम नहीं किए व्यासदेव जी, जीवन के अंतिम कमाई के रूप में भागवत को प्रस्तुत किए। अगर कोई भागवत को पढ़ता है, सुनता है, दूसरे को सुनाता है, तो समझिए कि वह पूर्ण है, उसको अब अलग कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि भागवत सुनने के बाद में भी मन में हो कि अरे मेरा कुछ अधूरा रह गया, हमको और कुछ कर लेना चाहिए, नहीं, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, जाने की जरूरत है, लेकिन पूर्ण विश्वास होना चाहिए गुरु के वचन पर, भगवान के वचन पर। भगवान स्पष्ट रूप से उद्धव जी से कहे, जब भगवान इस धरा धाम को छोड़ करके जाने लगे तो उद्धव जी रोने लगे, कहे कि प्रभु आप चले जाएंगे तो मैं रह नहीं पाऊंगा आपके बिना, आप ही हमारे जीवन हैं, आप ही हमारे धन हैं, आप ही हमारे सर्वस्व हैं, और जब मैं आपको छोड़ दूंगा, आप हमसे अलग हो जाएंगे तो मैं कैसे रह पाऊंगा, आप हमको छोड़ करके मत जाइए। तो भगवान हंसने लगे, कहे कि उद्धव मैं आपको छोड़ कहाँ रहा हूँ, मैं तो आपके साथ हूँ, आपसे अलग थोड़े हूँ। कहे कि आप अलग नहीं हैं, आप तो छोड़ कर जाना चाहते हैं। भगवान कहे नहीं उद्धव, मैं आपके साथ सदैव रहूँगा भागवत के रूप में, भागवत के रूप में मैं आपके साथ में हूँ, अब भागवत का संग कीजिए। भागवत का जो संग करता है, भागवत के लिए जो प्रयास करता है, भागवत कथा को जो कराता है, करता है, सुनता है, सुनवाने का व्यवस्था करता है, सब एक ही कैटेगरी के, कोई अंतर नहीं है। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ तो विशेष हो गया, आप सुन रहे हैं तो छोटे, नहीं, सुनने वाला भी महान है, सुनाने वाला भी महान है, और इसका व्यवस्था जो कर रहा है वो भी महान है। सब अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोगों को पूर्ण निष्ठा के साथ में इस कार्य को करते रहना चाहिए, कंटिन्यू करते रहना चाहिए, और यही हम लोगों के आचार्यों का विचार भी है, हमारे गुरु महाराज का यही उद्देश्य रहा जीवन में कथा भागवत के अतिरिक्त तो जीवन में कुछ नहीं किए, और यही आदेश भी दिए अपने शिष्यों को कि आप लोग इस कार्य को करो। तो हम लोगों को करना चाहिए, उत्साह के साथ करना चाहिए, कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए इन सब कार्यों में। जहाँ भी मौका मिले, जब अवसर मिले तब बोलना चाहिए, बोलने का मौका मिले तो बोलना चाहिए, सुनने का अवसर मिले तो सुनना चाहिए, और कभी कराने का अवसर मिले तो कराना भी चाहिए भागवत को। यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जैसे हम लोग जीवन में बनाते हैं कि कुछ घर बना लें, कुछ ज़मीन ले लें, कुछ प्रॉपर्टी खरीद लें, कुछ बिजनेस व्यापार फैला दें, तो सबसे बड़ा बिजनेस अगर कोई करना चाहता है तो ये उद्देश्य करना चाहिए कि हम जीवन में 108 भागवत करवाएंगे अथवा करेंगे, ये सबसे बड़ा बिजनेस है। प्रत्येक व्यक्ति को ये संकल्प करना चाहिए और उद्देश्य में बढ़ना चाहिए कि हमको अपने जीवन में कम से कम 108 भागवत करवाना है और करना है, तो समझिए कि वो बहुत बड़ा धन बिजनेस व्यापार कर रहा है, और जो चाहेगा तो करा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि इतना बड़ा पंडाल की आवश्यकता है, 4 आदमी के बीच में भी कथा कर सकते हैं, सुन सकते हैं, करवा सकते हैं,
अपने रिश्तेदारों में, अपने भाई बंधुओं में, जहाँ भी हो सके इसको करते रहना चाहिए। जैसे नित्य हम लोग खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, करते हैं कि नहीं, उसके लिए किसी से मीटिंग करते हैं, इसको सभी लोग कर सकते हैं। सबसे बड़ा जीवन का कमाई है, इससे बढ़ करके और कोई कमाई नहीं है, कोई बिजनेस व्यापार नहीं है। तो भागवत में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ हम लोग सुने भी हैं और आगे सुनेंगे भी, और सुनना भी चाहिए। एक ही कथा को बार बार सुनना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि इस कथा को मैं तो सुन चुका हूँ, इसी कथा को चालू किया जा रहा है, तो नहीं, इसको बार बार सुनिए। तो इस बार जो हम लोग कथा करेंगे, सुनेंगे, ये भागवत के तृतीय स्कंद के 21 अध्याय से चालू करेंगे, 21वां अध्याय से। ये भागवत का बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। भागवत में आप लोग सुने हैं 335 अध्याय है, तो इस बार कोशिश करेंगे हम लोग कि 4 अध्याय की कथा हो जाए, 4 या 5 अध्याय तक, जितना समय मिलेगा, कोई जल्दी नहीं करना है, आराम से किया जाएगा। अगर पूरा होगा तो होगा, नहीं तो बीच में भी हो सकता है, कोई जल्दी नहीं है। इस प्रसंग को मैत्रेय जी ने सुनाए हैं। किसको सुनाए हैं मालूम है? विदुर जी को। और विदुर जी कहाँ के रहने वाले हैं? आप ही के क्षेत्र के रहने वाले हैं विदुर जी। विदुर जी बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं। विदुर जी का प्रश्न है, प्रश्न से ही चालू होता है। हस्तिनापुर में हस्तिनापुर के व्यक्ति प्रश्न कर रहे हैं मैत्रेय जी से, और कथा कहाँ हो रही है? गंगा के किनारे, लेकिन स्थान में थोड़ा सा अंतर है। स्थान है नरहरि प्रभु, कौन स्थान है? कहाँ, कौन जगह? हरिद्वार में, हरिद्वार में कथा चल रही है, हरिद्वार। कथा इस प्रकार है, थोड़ा सा समझिए आप लोग, कि विदुर जी जो हैं 35 वर्ष तक तीर्थ यात्रा किए। तीर्थ में क्यों निकल गए थे विदुर जी? इसलिए कि जब दुर्योधन उत्पात करने लगा, उपद्रव करने लगा, तो दुर्योधन के उपद्रव को देख करके विदुर जी को अच्छा नहीं लगा, और सभी लोगों के बीच में जितने लोग बैठे हुए थे, अपने भाई धृतराष्ट्र से कहे कि भैया, अगर आप सबका कल्याण चाहते हैं, सबका हित चाहते हैं, तो इस दुष्ट को छोड़ देना चाहिए। एक व्यक्ति के छोड़ने से सबका कल्याण हो जाएगा, सबका भलाई, सबका लाभ होगा। वो दुष्ट कौन है? दुर्योधन। दुर्योधन को आप छोड़ दीजिए, दुर्योधन को छोड़ते ही सभी लोग सुखी हो जाएंगे। तो धृतराष्ट्र तो भाई के बात सुन रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है, लेकिन दुर्योधन खुद बोलने लगा सबके सामने कि देखो, इसको थोड़ा भी इसको शर्म है, हम लोगों के यहाँ रह रहा है, हमारे घर में पल रहा है, हमारे यहाँ खाता है, वेतन लेता है, सब कुछ हमारे घर के द्वारा इसका पालन पोषण होता है, हमारे राज्य में रह रहा है, जिस पतल में खा रहा है उसी को छेद कर रहा है, इसको जल्दी यहाँ से निकाल दिया जाए। केवल इसका अधिकार है सांस लेने का, यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। प्राण हम नहीं लेंगे, क्योंकि सांस पर इसका अधिकार है, सांस पर, लेकिन इसको यहाँ से हटा दीजिए। इतना सुनकर के विदुर जी कहे कि बेटा, तुम क्या मुझको हटाएगा, मैं खुद नहीं रहना चाहता। और देखते देखते विदुर जी जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, मुकुट पहने हुए थे, हाथ में धनुष था, सब कुछ लिए हुए थे, सब कुछ उतार करके वहीं छोड़ करके एक सन्यासी का वेश धारण करके, एक कपड़ा उतरी है नीचे और एक ऊपर से डाल लिए, और सीधे वहाँ से निकल गए तीर्थ यात्रा के लिए। देखिए कितने बड़े महात्मा हैं। यहाँ पर बीच बीच में विदुर जी को महात्मा संबोधन किया गया है, महात्मा, और मैत्रेय जी को भगवान संबोधन किया गया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि महात्मा विदुर जी
इस हस्तिनापुर को छोड़ करके और वो सीधे तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। तीर्थ यात्रा के लिए निकले तो जहाँ भी भगवान का मंदिर दिखाई देता था, जहाँ भी मंदिर के झंडा दिखाई देते थे उस मंदिर में जाते थे दर्शन करने के लिए, और जहाँ भी सरोवर नदी तालाब कुंड जो कुछ दिखाई देता था उसमें जाकर के स्नान करते थे, आलस्य नहीं करते थे। उनके विषय में वर्णन किया गया है कि विदुर जी इतने तीर्थों में घूमते थे, स्नान करते थे कि उनका कपड़ा सूख नहीं पाता था। एक कुंड में गए, फिर दूसरा कुंड में स्नान किए, फिर दूसरे मंदिर में दर्शन किए, ऐसे करते 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 35 बरस के बाद वृंदावन में आए यमुना के किनारे। तो वृंदावन में उद्धव जी मिले जो भगवान के परम मित्र हैं, और उद्धव जी से विदुर जी का मिलन हुआ तो ये दोनों आपस में वार्तालाप किए। विदुर जी समाचार पूछे, सब कुछ पूछे भगवान के विषय में, पांडवों के विषय में, कौरवों के विषय में। तो पता चला कि कौरव लोग भी समाप्त हो चुके हैं, महाराज युधिष्ठिर राजा बन गए हैं, और भगवान इस संसार को छोड़कर के अपने नित्य धाम के लिए चले गए हैं। ये सब जब बात सुने तो विदुर जी बिल्कुल घबरा गए, रोने लगे। भगवान के बात को जब सुने कि प्रभु चले गए हैं तो जोर जोर से रोने लगे विदुर जी। उद्धव जी कहे कि आप चिंता मत कीजिए, जब भगवान जा रहे थे तो वहाँ पर दो व्यक्ति थे, एक मैं था और एक मैत्रेय जी थे, हम दोनों प्रभार क्षेत्र में थे भगवान के सामने। तो भगवान कृष्ण ने कुछ उपदेश किया है, कुछ बात बताया है, और आपके लिए स्पेशल मैत्रेय जी को नियुक्त किया है। भगवान जाते समय मैत्रेय जी को कहे कि जिस बात को मैं आप दोनों के सामने प्रस्तुत किया हूँ, कहा हूँ, इस बात को हमारे प्रिय विदुर को बताना, विदुर जी को कहना। देखिए अंतिम समय में जाते समय भगवान विदुर जी को स्मरण कर रहे हैं, इसका मतलब कि विदुर जी का महत्व स्थान है भगवान के दृष्टि में। भगवान अस्पष्ट मैत्रेय जी को कहे कि आप जिस बात को मैं सुनाया हूँ इसको मेरे परम भक्त, मेरे परम वैष्णव विदुर को बताना। तो उद्धव जी कहे कि हे विदुर जी, अगर आपको विशेष जानकारी लेनी है, विशेष बात जानने की इच्छा है, तो आप क्या कीजिए कि मैत्रेय जी के पास चले जाइए। हालांकि उद्धव जी बता सकते थे, उद्धव जी के पास सब ज्ञान था, लेकिन यहाँ थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना है कि वो गुरु बनने के लिए उतावले नहीं हैं विदुर जी, उद्धव जी। आजकल के लोग तुरंत उपदेश देने लगते हैं, गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन वो भगवान के बात को स्मरण कर रहे हैं और जिसके लिए जो काम दिया गया है उसी को नियुक्त कर रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं कि आप सीधे यहाँ से मैत्रेय जी के पास चले जाइए। तो इतना कहने पर विदुर जी वृंदावन से यमुना के किनारे से चल देते हैं, पैदल ही चल रहे हैं, चलते हुए सीधे हरिद्वार में गए। वो बताए कि भगवान मैत्रेय इस समय हरिद्वार में रह रहे हैं, वहाँ पर जाइए। मैत्रेय जी और व्यास जी दोनों मित्र थे, तो मैत्रेय जी के पास में गए और जा करके भागवत के विषय में प्रश्न किए हैं, बहुत कुछ प्रश्न किए हैं, अनेक प्रकार के प्रश्न किए। तो उन प्रश्नों में से उत्तर दिए, सृष्टि विषयक भी प्रश्न किए हैं कि कैसे इस संसार में सृष्टि हुआ। तीसरा स्कंद और चौथा स्कंद, दो स्कंद में विदुर और मैत्रेय जी का संवाद है। मैत्रेय जी से विदुर जी बहुत प्रश्न किए हैं, तो उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो उन्हीं प्रश्नों में अब आगे चल करके एक प्रश्न करते हैं मैत्रेय जी से विदुर जी, कहते हैं कि स्वयं भुवस्य चमनोर वंशः परम सम्मतः कथ्यताम भगवन यत्र मैथुने नैधिरे प्रजा। करें कि हे भगवान,
हे सर्वज्ञ प्रभो, भगवान यात्रा, हे सर्वज्ञ प्रभो, विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि स्त्री पुंसो मैथुनेन प्रजा एधिरे, जिस वंश में स्त्री और पुरुष के संयोग से प्रजा की वृद्धि हुई है, जिस वंश में स्त्री और पुरुष के संयोग से, संपर्क से प्रजा की वृद्धि हुई है, स्वयंभुवस्य मनोः परम सम्मतः वंशः कथ्यता। आप उस वंश के विषय में बताइए, वो वंश कौन है? तो स्वयंभुव मनु जो हुए हैं महाराज, स्वयंभुव मनु के परम सम्मतः वंशः कथ्यता, जो प्रशंसनीय वंश है, उस वंश के विषय में वर्णन कीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। किसके विषय में सुनना चाहता हूँ? तो उनके विषय में सुनना चाहता हूँ जिनसे स्त्री पुरुष के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई है। इससे पहले स्त्री पुरुष के द्वारा प्रजा की वृद्धि नहीं होती थी, सोचने मात्र से पुत्र हो जाते थे। लेकिन मैथुन विधि से जब से चालू हुआ है सृष्टि, उसके विषय में बताइए, और उसमें भी हम स्वयंभू मनु के विषय में सुनना चाहते हैं कि स्वयंभू मनु किस प्रकार सृष्टि का विस्तार किए, उनके वंश के विषय में मैं सुनना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। यहाँ मन में प्रश्न आप लोगों के नहीं होगा, लेकिन प्रश्न किया जा रहा है कि विदुर जी स्त्री पुरुष के द्वारा जो सृष्टि हुआ है उसके विषय में क्यों सुनना चाहते हैं, ऐसे प्रजा के विषय में क्यों सुनना चाहते हैं? तो वास्तव में स्वयंभू मनु के वंश में उत्पन्न संतान के विषय में सुनना चाहते हैं, क्योंकि इस वंश में जो भी जन्म लिए हैं वह व्यक्ति अध्यात्म ज्ञान से संपन्न थे, कोई साधारण व्यक्ति जन्म नहीं लिए थे। अगर उनके विषय में हम कुछ प्रश्न करेंगे तो इससे अध्यात्म का ज्ञान होगा, अध्यात्म के विषय में जानने के लिए प्रश्न करना ही चाहिए, पूछना ही चाहिए। इसीलिए साधु लोग इस वंश के विषय में सुनना चाहते हैं और सुनते हैं, वर्णन करते हैं। कभी कभी मन में विचार आता है कि अरे इस सृष्टि स्त्री पुरुष की बात क्यों कर रहे हैं और इसको कहने की क्या जरूरत है, अभी विवाह की बात आएगी। लेकिन वास्तव में इसको सुनने से हमारी अध्यात्म जो है, हमारी जो भक्ति है, उसका वर्धन होने वाला है, भक्ति की बढ़ोतरी होने वाली है। अगर ऐसे वंश के विषय में अगर हम सुनेंगे तो इससे भक्ति की हानि नहीं होती। संसारिक विषय में सुनेंगे, अगर संसारिक व्यक्ति के द्वारा जो जन्म आदि होता है उसको सुनेंगे तो भक्ति की हानि होती है। लेकिन यही अगर हम ऐसे पवित्र वंश के विषय में सुनेंगे तो इससे हम लोगों की भक्ति की वर्धन होने वाली है, भक्ति बढ़ने वाला है। तो इसलिए हम लोगों को सुनना ही चाहिए। इसी भाव में होकर के विदुर जी ने प्रश्न किया है। विदुर जी का मुख्य उद्देश्य है कि अध्यात्म में बढ़ोतरी हो। अध्यात्म का मतलब है भक्ति, हमारी भक्ति कैसे बढ़ेगी ये ध्यान हम लोगों को देना ही चाहिए। जहाँ से अगर भक्ति बढ़े वहाँ रहना चाहिए, उसका संग करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, जहाँ से लग रहा है कि हानि हो रहा है उससे दूरी हटा लेना चाहिए, उसमें कोई गुंजाइश नहीं, कोई सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सुंदर प्रश्न है, पहले प्रश्न समझिएगा तभी इस पर चलेंगे ना हम लोग, 7 दिन इसी पर बोलना है। तो देखिए विदुर जी कितना सुंदर प्रश्न किए हैं, कहते हैं कि प्रिय व्रतो उतान पादौ श्रुतौ स्वयंभुवस्य वै यथा धर्मं जुगुपतुः सप्तद्वीपवती महिम। स्वयंभुवस्य वै श्रुतौ, स्वयंभुव मनु के दोनों पुत्र, स्वयंभुव मनु के 5 संतान थे। स्वयंभू मनु का विवाह किसके साथ हुआ था? शत्रुपा जी के साथ में। मनु जी और शत्रुपा जी दोनों ब्रह्मा जी के संतान हैं,
ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के संतान हैं। तो पहले ऐसे ही सृष्टि हो रहा था, लेकिन सृष्टि का जब बढ़ोतरी नहीं हो रहा था, विस्तार नहीं हो रहा था, तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि हमको ऐसा सृष्टि करना चाहिए जिससे बढ़ोतरी हो, विस्तार हो। तो ब्रह्मा जी के शरीर से दो संतान जन्म लिए, एक पुरुष और एक स्त्री, और दोनों से संबंध करवाए। वहीं से मैथुन विधि चालू हुआ है। तो दोनों का संपर्क होने से पांच संतान जन्म लिए, उसमें से तीन लड़कियां थी और दो लड़के थे। लड़कियों का नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति, और दो बच्चे जन्म लिए, उनका नाम है प्रियव्रत और उतानपाद। ये पांचों बड़े महत्वपूर्ण हैं, ये ध्यान देना है। इसी पर अब सृष्टि होने वाली है, सब सृष्टि का विस्तार होने वाला है। और मनु के संतान होने के कारण ही हम लोग मानव कहलाते हैं। आज आकर के हम लोग बनते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, हमारा गांव यहाँ है, हमारा गांव वहाँ है, हम सब एक ही घर के हैं। सच पूछिए तो हम लोगों का अगर वंशावली देखा जाए तो जितने लोग बैठे हुए हैं ना, सब एक घर के हैं, अलग से कोई नहीं आया है। लेकिन जैसे कर्म करते गए, जैसे मन बनता गया, वैसे वैसे विस्तार होता गया, फिर अलग अलग सब हो गए। तो पांच संतान हुए हैं, उन्हीं के विषय में यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वयंभू मनु के दोनों पुत्र प्रियव्रत उतानपाद, एक का नाम है प्रियव्रत और दूसरे का नाम है उतानपाद। यथा धर्मम, जिस प्रकार धर्म पूर्वक वे दोनों धर्म पूर्वक सप्त द्वीपवतीम महिम जुगुपतु तन में बद तत् में बद, किस प्रकार वे दोनों बच्चे मनु महाराज के दोनों लड़के उतानपाद जी और प्रियव्रत जी, जिस प्रकार यथा धर्म धर्म पूर्वक सप्तद्वीपवतीम महिम, सप्तद्वीप वाली पृथ्वी की रक्षा करते थे, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। मेरे सामने आप उसका वर्णन कीजिए, उसको बताइए, वह मुझसे कहिए कैसे वे लोग सात द्वीप वाले पृथ्वी का पालन किए, रक्षा किए। हम लोग तो एक घर चलाने में परेशान हो जाते हैं, है कि नहीं? दो चार बच्चों को खिलाने में लगता है कि कितना बड़ा हम झंझट लिए हुए हैं, नहीं हो पाता। और वे लोग तो सात द्वीप वाले पृथ्वी का पालन किए, इसके विषय में बताइए। इसमें श्रीमद् भागवत में बड़े बड़े राजाओं की कथा है, बड़े बड़े सम्राटों का इतिहास है। इस श्लोक में प्रियव्रत और उतानपाद जी के विषय में बताया गया है कि वे लोग सप्त द्वीप वाली पृथ्वी के सम्राट थे, राजा थे, सात द्वीप। इस पृथ्वी पर आज भी सात द्वीप है। कौन कौन सात द्वीप है आजकल? कौन सात द्वीप है? देखिए, सात द्वीप आजकल है, जिसको हम लोग बोलते हैं एशिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सात। तो इन सातों के वे लोग राजा थे, सप्तद्वीप वती महीन। जैसे आज देश के मालिक हैं, मान लीजिए प्रधानमंत्री जी हैं, तो ऐसे ऐसे सात जो देश है उनके अकेले मालिक, उसको सप्तद्वीप वती महीम कहते हैं। सात द्वीपों के मालिक राजा कौन थे? उतानपाद जी भी थे और प्रियव्रत जी भी थे। तो उनके विषय में सुनना चाह रहे हैं। कहते हैं कि हे निष्पाप, तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूतीति विस्तृतः पत्नीं प्रजापते उक्ता कर्दमस्य त्वया नघ। हे निष्पाप मुने, अनघ, अनघ कहते हैं निष्पाप को,
अघ और अनग, अघ माने पाप होता है और अनग माने जिनमें किसी प्रकार का पाप का गंध भी न हो, उसको निष्पाप कहते हैं। कह रहे हैं कि हे निष्पाप मुने, हे ब्राह्मण, तस्य मनो वही देवहूति, मनु महाराज की दूसरी नंबर की जो पुत्री थी उसका नाम है देवहूति जी। अब देवहूति जी की कथा प्रारंभ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इति विस्तृता दुहिता, दुहिता दुहिता कहते हैं पुत्री को, इति विस्तृता दुहिता, देवहूति नाम से वह विख्यात थी। मनु महाराज के दो जो दूसरी पुत्री थी उसका नाम था देवहूति। और कर्दमस्य प्रजापते पत्नी त्वया उक्ता, कर्दम प्रजापति की पत्नी हुई यह आपके द्वारा कही गई है, आपने बताया है, कहा है कि जो देवहूति जी थी वह कर्दम जी की पत्नी थी। कर्दम जी ब्रह्मा जी के लड़के हैं और कर्दम जी तपस्या करने के लिए गए, इन सब कथाओं को हम लोग सुनेंगे। कर्दम जी को मनु महाराज की जो पुत्री हैं देवहूति जी पत्नी रूप में प्राप्त होंगी। तो इस बात को आपने पहले कह चुका है, सवई महायोगी, वह महायोगी कर्दम, तस्याम सवई महायोगी युक्ता याम योग लक्षण ही ससर्ज कथिदा वीर्य तन्मे सुषुषवे वद। वह महायोगी जो कर्दम जी हैं, जो यम आदि से युक्त थे, उन्होंने कतिधा वीर्यम ससर्ज, कितने संतान को उत्पन्न किए, उनके कितने संतान हुए, कितने पुत्र हुए, तत्मे श्रुषुषवे वद, मैं उसको सुनना चाहता हूँ, मैं उसे जानना चाहता हूँ कि उनके द्वारा कितने संतान जन्म लिए थे, उसके विषय में आप मुझे वद, वद माने बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। कति पुत्रा उत्पादयत, उन्होंने माता देवहूति के द्वारा कितनी संतान को उत्पादयत जन्म दिया। श्रीधर स्वामी जी कह रहे हैं कि कति पुत्रान उत्पादयत, उन्होंने कितने पुत्र को जन्म दिया, इसके विषय में आप हमें बताइए। अरे कितना हो पुत्र हो उससे क्या मतलब है, लेकिन पहले ही आप लोग सुन चुके हैं कि इसको सुनने से धर्म बढ़ने वाला है, भक्ति बढ़ने वाली है, धर्म का भक्ति का पोषण होने वाला है, इसीलिए विदुर जी इस तरह का प्रश्न कर रहे हैं। ये नहीं कि विदुर जी को बड़ा रस मिल रहा है, जैसे आजकल के लोग एक स्त्री पुरुष की चर्चा करते हैं और स्त्री पुरुष की चर्चा करने से उनको सुख मिलता है सुनने से बोलने से, ये बात नहीं है। उनकी चर्चा करने से उनकी भक्ति का बढ़ोतरी होने वाली है, वृद्धि होने वाली है, इसीलिए विदुर जी बहुत सुंदर जिज्ञासा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप हमें बताइए, तत् में सुश्रुषवे वद, मैं उसको सुनना चाहता हूँ, हमें सुनने की इच्छा है, इसलिए आप वद बोलिए, कहिए। कोई कोई सुनना नहीं चाहता है तो सुनाने वाले का भी मन नहीं लगता है, कभी कोई सुनाने वाला चाहता है कि मैं कुछ कहूँ लेकिन सुनने वाले का इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन विदुर जी कह रहे हैं कि आप घबराइए मत, मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे सुनने की इच्छा है, मैं सुनने के इच्छुक हूँ, हे भगवान आप कृपा करके सुनाइए, हे निष्पाप मुने आप इस कथा को सुनाइए, मैं सुनना चाह रहा हूँ। रुचिरियो भगवान ब्राह्मण दक्षो वा ब्रह्मण सुत यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्या च मानवीम, हे ब्राह्मण, यह ब्रह्मण सुत भगवान, ब्रह्मा के जो तेजस्वी पुत्र कौन हुए थे, ब्रह्मा जी के तेजस्वी पुत्र रुचि और दक्ष थे, ते वे मानवी भार्या महाराज मनु की पुत्री, मनु के ही पुत्री दो थी, आकुति और प्रसूति, तो एक आकुति से विवाह किए और दूसरे प्रसूति से। आकुति से कौन विवाह किए थे, रुचि प्रजापति, और प्रसूति से कौन विवाह किए थे, दक्ष प्रजापति।
तीनों लड़कियों से तीन प्रजापति विवाह किए हैं, आकुति जी से रुचि प्रजापति किए हैं, देवहूति जी से करदम प्रजापति किए हैं और प्रसूति जी से दक्ष प्रजापति विवाह किए हैं। तो तीनों क्रमशः विवाह किए लब्ध्वा भूतानी और उनको प्राप्त करके यथा ससर्ज तच्च वद, उन्होंने कैसे प्रजाओं को उत्पन्न किए, कैसे पुत्र को जन्म दिए, तत् च वद उसको भी आप बताइए, उसे भी मैं सुनना चाहता हूँ। देवहूति जी के द्वारा जो पुत्र हुए उसके विषय में भी बताना है आपको, आकुति जी के द्वारा जो पुत्र जन्म लिए उसके विषय में भी बताना है और प्रसूति जी के द्वारा जो पुत्र जन्म लिए हैं उनके विषय में भी बताना है। कृपा करके आप बताइए, तब अब मैत्रेय जी बोलना प्रारंभ करते हैं। विदुर जी पांच श्लोक में शुरू में प्रश्न किए, पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा, चौथा और पांचवा। जब इस तरह जिज्ञासा किए तब भगवान मैत्रेय जी बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि देखो, प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदित सरस्वत्याम तपस्ते पे सहस्त्राणाम समादश। मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि प्रजा सृज, प्रजा की सृष्टि करो, इति ब्रह्मणा उदित, ऐसा ब्रह्मा द्वारा कहे जाने पर जब कर्दम जी का जन्म हुआ। हरि बोल। जब कर्दम जी का जन्म हुआ तो कर्दम जी के जन्म होते ही कर्दम जी के पिता कौन हैं? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी कहे कि बेटा तुम सृष्टि करो, एक पिता अपने पुत्र को आदेश दे रहे हैं कि तुम सृष्टि करो। तो ऐसा कहने पर कर्दम मुनि को जब भगवान के पुत्र ब्रह्मा ने जब आदेश दिया तो उनके आदेश देने पर कर्दम जी क्या किए कि सृष्टि करने से पहले योग्यता हासिल करना पड़ेगा ना, केवल विवाह कर लेना, केवल पुत्र जन्म दे देना यही थोड़े करने से कुछ होने वाला है, उसको करने से पहले योग्यता भी होनी चाहिए ना। तो कर्दम जी क्या किए कि सीधे सरस्वती के तट पर, सरस्वत्याम वे चले गए तपस्या करने के लिए। सहस्राणाम दशह समा तपह तेपे, सरस्वती के तट पर 10,000 वर्ष तक, 10,000 उन्होंने तपस्या किया। सरस्वती का तट कहाँ है? गुजरात में। मैं गया था वहाँ दर्शन करने के लिए, बहुत सुंदर स्थान है। मैं यहीं पर एक बार कथा किया था तो मेरे मन में आया कि बिंदु सरोवर जा कर के देखना चाहिए, बिंदु सरोवर कैसा जगह है उसको देखना चाहिए। तो बिंदु सरोवर देखने की इच्छा हुई तो इस बार मैं गया था, बहुत सुंदर जगह। जैसे बिहार में गया है तो गया में पितरों का श्राद्ध किया जाता है, भारत में एक ही स्थान है जहाँ पितर को श्राद्ध किया जाता है गया जी में, वैसे ही माताओं के लिए भी एक श्राद्ध का स्थान बनाया गया है, वो है बिंदु सरोवर। भारत में वही एक जगह है जहाँ माता जी लोगों का श्राद्ध किया जाता है। तो वहाँ पर जा कर के 10,000 वर्ष तक कर्दम जी तपस्या किए, 10,000 संवत्सरान इत्यर्थ। उस समय उन्होंने जा कर के तपस्या किया, घोर तप किया, पिता के आदेश का पालन करके पहले योग्यता हासिल करने लगे कि भाई हमको सृष्टि करना है, तो सृष्टि करने के लिए पहले योग्य होना चाहिए ना, सृष्टि का मतलब विवाह करना है। सीधा पिताजी कहे कि विवाह करो, विवाह करोगे तभी ना सृष्टि का विस्तार करोगे। तो कर्दम जी कहे कि पिताजी विवाह करने के लिए तो कह दिए लेकिन हम में तो कोई योग्यता है नहीं, पत्नी लाने का मतलब कि उसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा ना, खिलाना पिलाना, बच्चों को पालन पोषण करना, तो इसके लिए तो धन दौलत चाहिए, तो इसके लिए पहले हमको योग्य हो जाने दीजिए। तो उसके लिए वो क्या किए कि तपस्या चालू किए, जा करके खूब सुंदर ढंग से तप करने लगे।
इसी के विषय में पूछ रहे हैं, तपस्या की है। मैत्रेय जी कह रहे हैं कि करदम जी ब्रह्मा जी के कहने पर तपस्या करने के लिए गए और वहाँ जाकर के क्या किए कि ततः समाधि युक्ते न क्रिया योगे न करदमः संप्रपेदे हरिम भक्त्या प्रपन्न वरदाशुषम। ततः करदमः, करदम जी वहाँ जाकर के तपस्या में स्थित हो गए, अपने मन को भगवान में लगा लिए और ऐसे मन लगाए करदमः, करदम मुनि, करदम जी को मुनि कहा जा रहा है, वो मुनि, वो मुनि करदम जी तपस्या में स्थित हो गए और समाधि युक्तेन क्रिया योगेन एकाग्र चित्त से मानसिक अब पूजा करने लगे, मन से। अब जो जो वस्तु चढ़ाना चाहिए भगवान को, जो देना चाहिए, उसको मन से ला ला कर कब देने लगे। और प्रपन्न वरदा सुषह, उनके उस तपस्या से, उनके उस भजन से, मानसिक पूजा से वांछाओं को पूर्ण करने वाले, इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हरिम जो भगवान हैं, हरि हैं, अपने भक्त के उस भक्ति से प्रभावित होकर के बहुत जल्दी खुश हुए हैं। भगवान श्री हरि की भक्ति में वे लग गए, आराधना करने लगे। हरिम भक्त्या संप्रपेदे, भगवान के भक्ति में, भगवान के हरि में वह भक्ति पूर्वक लग करके आराधना करने लगे, भक्ति के साथ भजन कर रहे हैं, प्रेम के साथ भजन कर रहे हैं। पिताजी के कहने पर वे गए और जाकर के 10,000 बरस तक तपस्या किए, बड़े मनोजोग से भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तावत प्रसन्नो भगवान पुष्कराक्ष कृते युगे, उनके तपस्या से कहते हैं कि हे विदुर जी, छत्ता हे विदुर जी, तावत पुष्कराक्ष भगवान प्रसन्न, ऐसी तपस्या से, ऐसे आराधना से कमल नयन भगवान प्रसन्न हो गए, उनके तप से प्रसन्न हो गए। कृते युगे, सतयुग में शाब्दम ब्रह्म वपु दधत शब्दैक वेद्य सचिदानंद घन श्री विग्रह प्रकट कर तम दर्शयामासः, करदम मुनि को दर्शन दिए। वे क्या किए कि प्रसन्न होकर के, उनके तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के करदम मुनि को भगवान दर्शन दे दिए। भगवान दूर नहीं है, केवल तपस्या करने की आवश्यकता है, भजन करने की जरूरत है। अगर कोई भजन करता है तो भगवान दर्शन आज भी देते हैं। कोई कहते हैं कि भगवान हैं, भगवान दिखाई देते हैं, भगवान दर्शन देते हैं, क्यों नहीं देंगे? भगवान तो दर्शन देते हैं, लेकिन दर्शन करने के लिए आपको शुद्ध हृदय से होकर के भजन करना पड़ेगा। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि तावत, यहाँ शब्द आया है तावत प्रसन्नो, ऐसी तपस्या से। तावत का मतलब है कि उतना ही तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए। तावत मन से सोच करके मानसिक पूजा कर रहे थे और मानसिक पूजा से भगवान प्रसन्न हो गए। सतयुग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत अधिक तपस्या करनी पड़ती है, परंतु करदम मुनि की भक्ति और मानसिक पूजन से भगवान शीघ्र प्रसन्न हो गए। क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय अगर कोई है तो भक्ति प्रियो माधव, माधव को भक्ति बहुत प्रिय लगती है। अगर कोई भक्ति करता है, भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। भक्ति प्रियो माधव, भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं। हमारे प्रभु भक्ति अगर कोई करता है तो भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। करदम जी के भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए।
तपस्या की और तपस्या करने से भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। सतम बिरज बरका भव शीत पद्योत पलस्त्रजम स्निग्ध नीला लकह ब्रात वक्त्राब्जम बिरजोम बरम। भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान के विषय में बताया जा रहा है कि वे कैसे हैं, निर्मल सूर्य के समान दिखाई दे रहे हैं, सूर्य में जैसे तेज दिखाई देता है, श्वेत कमल पहने हुए हैं, श्वेत कमल के माला पहने हुए हैं और चिकने एवं नीले अलकावली से युक्त हैं, निर्मल वस्त्र है, मुकुट धारण किए हुए हैं, कुंडल पहने हुए हैं, शंख चक्र गदा लिए हुए हैं, श्वेत कमल को एक हाथ से घुमा रहे हैं, उनका मन और मुख जो है हाथ से युक्त है। और वे भगवान कैसे वहाँ उपस्थित हुए हैं कि गरुण जी के ऊपर बैठे हुए हैं, वहाँ आकर के गरुण जी के कंधे को पकड़े हुए हैं और गरुण जी के कंधे पर भगवान क्या किए हैं कि चरण कमल रह करके अपने चरण को रखे हुए हैं और खड़े हैं। गरुण जी के कंधे पर भगवान अपने चरण को रखे हुए हैं और वक्ष स्थल पर लक्ष्मी तथा गले में कौस्तुभ से युक्त भगवान को आकाश में देख करके भगवान आकाश में आ गए हैं। भगवत दर्शन की लालसा पूर्ण होने पर जात हर्षो प्रति स्व भावात्मा करदम जी प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए, उनका शरीर रोमांचित होने लगा और परम प्रसन्नता के कारण प्रसन्न मन से समूर्धना छितव करदम मुनि क्या किए कि भगवान को आकाश में ही देख लिए। तब ये तुरंत पृथ्वी पर गिर करके अपतत कृतांजलि ही दंडवत प्रणाम किए, पृथ्वी पर गिर गए, भगवान को देखते ही सष्टांग दंडवत प्रणाम किए और हाथ जोड़ करके कृतांजलि अपने दोनों हाथों को जोड़ करके गिर भी अव्य गृणात बाणी से वे क्या करने लगे कि स्तुति करने लगे। गिर भी कहते हैं वाणी को, गिरा से अपने वाणी से भगवान के चरणों में करदम जी स्तुति प्रारंभ कर दिए, खूब सुंदर भगवान को देख करके स्तुति कर रहे हैं। उनके तपस्या से प्रसन्न होकर के, उनके सेवा से प्रसन्न होकर के भगवान तुरंत प्रकट हो गए। जिन भगवान को प्रकट करने में बड़ा मेहनत करना पड़ता है, सतयुग में मनुष्यों का उम्र 1,00,000 बरस का होता था और ध्यान करके जिस भगवान की आराधना करते थे, प्रसन्न करते थे, उसी भगवान को करदम जी भक्ति के द्वारा भगवान को अति शीघ्र प्रसन्न कर लिए, 10,000 वर्ष में ही प्रसन्न कर लिए, मतलब बहुत कम समय में कर लिए। 10,000 वर्ष कम समय थोड़े होता है, इतना जल्दी करदम जी भगवान को प्रसन्न कर लिए और भगवान आ गए। कैसे भगवान हैं तो जिनका रूप बड़ा सुंदर है, श्वेत कमल के माला पहने हुए हैं, एक श्वेत कमल के पुष्प अपने हाथ में लिए हुए हैं भगवान और उस फूल को घुमा रहे हैं, गरुण जी के कंधे के ऊपर अपने पैर को रखे हुए हैं, पीताम्बर वस्त्र पहने हुए हैं, कुंडल धारण किए हुए हैं, भगवान का छवि है, भगवान का छवि, भगवान का रूप कैसा है इसका वर्णन किया गया है। किरीटिनम कुंडलिनम शंख चक्र गदाधरम श्वेतोत्पल्लकम मनस स्पर्श स्मृति क्षणम विन्यस्त चरणम भोजम अंश देशे गरुत्मत दृष्टवा खेव स्थित वक्ष श्रेय कस्तुभकंदरम जात हर्षो। उनको देख कर के करदम जी प्रसन्न हो गए और तुरंत पृथ्वी पर गिर करके सष्टांग दंडवत प्रणाम किए। जब भी आप लोग मंदिर जाइए, भगवान के सामने जाइए, तो भगवान को सष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ये नहीं कि चलो हाथ जोड़ लिया, अर्ध प्रणाम कर लिया, भगवान को बार बार प्रणाम करना चाहिए। एक बार महाराज श्री बता रहे थे, मैं गया था और एक मेरा भतीजा गया था गुरु महाराज से मिलने के लिए, तो छोटा था तो महाराज
उससे कहे कि देखो दो काम करना है। क्या दो काम करना है? ज़्यादा काम नहीं, और भागवत में यही दो काम बताया भी गया है। भागवत के अंतिम श्लोक में यही बताया गया कि जब भी भगवान के पास जाओ प्रणाम करना और भगवान के नाम को बोलना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी दो काम को करना है। भगवान के पास जब भी जाइए प्रणाम कीजिए, और हो सके तो साष्टांग दंडवत कीजिए। भगवान को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, दोनों हाथ को आगे करना चाहिए, माथे को जमीन पर, दोनों घुटना जमीन पर स्पर्श होना चाहिए, छाती जमीन में पृथ्वी में स्पर्श होना चाहिए, और ऐसे करके भगवान को प्रणाम करना चाहिए। करदम जी कितने बड़े व्यक्ति हैं, वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। वो जब भगवान को देखे तो दंडवत प्रणाम करें। हम लोग करदम जी के सामने क्या है? कुछ भी नहीं है, हम लोग की कोई गिनती नहीं है, लेकिन अपने को समझते हैं कि हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं, हमारा कपड़ा गंदा हो जाएगा, कुछ लोग सोचते हैं वस्त्र गंदा हो जाएगा। भगवान को प्रणाम करना चाहिए, लौट करके प्रणाम करना चाहिए, और जब जाना चाहिए तब करना चाहिए। कम से कम एक बार तो जरूर जाकर के प्रणाम करना चाहिए गोकुलानंद जी को, 24 घंटा में एक बार जरूर जाना चाहिए प्रणाम करने के लिए। यहाँ के लोग एकादशी के दिन जाते हैं ना, उसमें भी सभी लोग नहीं जाते होंगे, सभी लोग जाते हैं बताइए। माता जी लोग, आप लोग जाती हैं प्रणाम करने? कब जाती हैं? एकादशी को, रोज जाना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं है, 15-20 मिनट लगेगा। सुबह सुबह टहलना भी चाहिए, सुबह सुबह जाइए प्रणाम करके आ जाइए, सबको जाना चाहिए, और जा करके प्रणाम करना चाहिए, बैठ करके कम से कम भगवान के सामने, ज़्यादा नहीं तो एक माला करके आना चाहिए, वहाँ बैठ करके उनके सामने एक माला जरूर करना चाहिए भगवान के सामने। मैं 3 दिन से आ रहा था, 2 दिन उनके सामने बैठ करके जप किया, कल भी किया था, परसों भी किया था, आज आया तो थोड़ा तबीयत ढीला था इसलिए नहीं कर पाया। बहुत अच्छा लग रहा था उनके सामने बैठ कर करने में। तो भगवान के सामने जाना चाहिए। हम लोग कथा इसीलिए सुन रहे हैं ना, कथा में तो भागवत में तो बहुत बात है, लेकिन बहुत बात तो याद होगी नहीं, कहने से भी याद होने वाला है नहीं, तो 1-2 चीज़ भी याद कर लेंगे तो कल्याण हो जाएगा। याद क्या करना है कि भगवान के पास जाना है, और जा करके उनको पहले प्रणाम करना है, और प्रणाम करके उनके सामने बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के नाम का जप करना है। आप लोगों के ऊपर विशेष कृपा करने के लिए गोकुलानंद जी आए हैं, और गौर नित्यानंद जी वृंदावन से चल करके भगवान आए हैं, और मायापुर से चल करके चैतन्य महाप्रभु आए हैं विशेष कृपा करने के लिए। कोई साधारण ठाकुर जी नहीं है, ठाकुर तो सब ठाकुर ही होते हैं, लेकिन ये जो ठाकुर जी हैं ना, ये स्पेशल ठाकुर जी हैं, इनका दर्शन जरूर करना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि रोज करना चाहिए, और रोज नहीं तो कम से कम एकादशी को तो गांव वालों को सबको जाना चाहिए करने के लिए, कम से कम एकादशी को तो जाना ही चाहिए, ऐसे तो रोज करना चाहिए। तो करदम जी भगवान को देख करके प्रणाम किए, और प्रणाम करके अब भगवान के चरणों में बोलना प्रारंभ कर दिया, स्तुति करने लगे। तो अब मैं स्तुति नहीं करूँगा क्योंकि समय हो चुका है, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हो गया समय ना? बताइए, मेरे पास टाइम वाला है, और सुनेंगे? अच्छा ठीक है, तब देखिए अब करदम जी स्तुति कर रहे हैं, ठीक है ना। करदम जी स्तुति,
देखिए भागवत में जो स्तुति प्रसंग है ये बड़ा दिव्य होता है, लेकिन इसको लोग कहते नहीं है। सच पूछिए तो सारा सार उसी में रहता है। सबसे पहला स्तुति कुंती महारानी ने की है, भगवान के चरणों में कुंती महारानी सबसे पहले स्तुति की, इसके बाद में भीष्म पितामह जी की है, भीष्म पितामह जी के बाद में फिर सुखदेव गोस्वामी ने स्तुति किया है भगवान के चरणों में। सुखदेव गोस्वामी स्तुति किए हैं भगवान के चरणों में। तो अब देखिए करदम जी अब भगवान के चरणों में प्रार्थना करें। भगवान आ चुके हैं, भगवान दिखाई दे रहे हैं, और भगवान को देख करके कैसे बोलना चाहिए अगर हम लोग को नहीं बोलने आता है, तो इन ऋषियों के द्वारा इन आचार्यों के मुखारविंद से जो बोला हुआ है उससे हम लोगों को भी अभ्यास करना चाहिए कि कैसे बोलना है। कभी कभी होता है ना कि बड़ा व्यक्ति आ जाए तो कैसे बोला जाए, कहाँ से चालू किया जाए, कौन शब्द बोला जाए। तो देखिए अब करदम जी बोल रहे हैं, ऋषि वाच, उनको ऋषि कहा जा रहा है, वो ऋषि हैं। ऋषि वाच करदम जी बोल रहे हैं, ज्योष्ठम बता दिया खिलसा त्वरा से सांसेध्य मक्षणोस्तव दर्शनात्र यदर्शनम जानम भिरीड्य सदभि आशा सते योगिनो रूढ़योगः। करदम ऋषि ने कहा कि इड्य बत, इड्य बत, वास्तव में स्तुति करने के योग्य आप ही हैं। हे प्रभो आप स्तुति करने के योग्य हैं, हे स्तुति योग्य प्रभो। अगर कोई स्तुति करने लायक है तो भगवान है। ब्रह्मा जी भी कहें कि नौमिड्य ते ब्रवपुष तदिदम बराय नौमिड्य नौमी इड्य। अगर स्तुति करने लायक कोई है तो केवल आप हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं वहाँ पर दसम स्कंद के 14वां अध्याय में। और यहाँ करदम जी कह रहे हैं, करदम जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे स्तुति करने योग्य प्रभु। कोई कोई योग्य नहीं होता है लेकिन उसको भी चापलूसी में करना पड़ता है, हाथ जोड़ना पड़ता है, और जो जोड़ता है वो भी मन ही मन गाली देता है उसके सामने जाता है तो हाथ जोड़ लेता है, और बाद में आते ही कहता है गाली देता है, मैं गाली नहीं दूंगा, वो गाली देता है। अरे क्या बताएं, उसके पास जा करके उस दुष्ट को देखने का मन नहीं करता है, लेकिन अब क्या करें, ऐसा कहना पड़ा। लेकिन भगवान वास्तव में स्तुति करने योग्य हैं। करदम जी ऐसे नहीं बोल रहे हैं, करदम जी कहते हैं कि हे स्तुति योग्य प्रभो, आहा अखिल सत्व राशे तव दर्शनात्, समग्र सत्व निधि आपके दर्शन से, आपके दर्शन मात्र से, न अक्षणो, हमारी जो आँख है सांसिध्यम सफल हो गई, आपके दर्शन करने से ही हमारा नेत्र सफल हो गया। आज मेरे नेत्र की सार्थकता हुई कि आपका मैं दर्शन किया, आपके दर्शन करते ही हमारा नेत्र सफल हो गया। अद्यम जुष्टम, आज मैं अपने आँख को सफल मान रहा हूँ कि आँख मिलने का असली फल आज मिला है। इस नेत्र का आँखीना के फल ब्रजभूमि का दर्शन है, गोपियाँ कहती हैं कि इस नेत्र का फल है भगवान का दर्शन, ब्रजभूमि का दर्शन, ब्रज भक्तों का दर्शन, भक्तों का दर्शन। तो इसी तरह यहाँ पर कह रहे कि अद्यम ज्योष्टम यद दर्शनम, आज आपके दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा आँख सफल हो गया। इस नेत्र से जब भगवान का दर्शन करते हैं तब यह नेत्र सफल माना जाता है। नेत्र से और कुछ देख रहे हैं और भगवान को नहीं देख रहे हैं तो इस नेत्र की कोई शोभा नहीं है, लेकिन भगवान को देखते ही इस नेत्र का सफल हो जाता है, नेत्र सार्थक हो जाता है। सद भी जन्म भी महान से महान जन्म प्राप्त रूढ़ योगा योगिन अपि आशासते
बड़े से बड़े महान से महान जो योगी जन होते हैं, महान से महान जन्म प्राप्त योग सिद्ध योगी जन भी आपके दर्शन को पाने के लिए ललायित रहते हैं, पाने की प्रार्थना करते हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। प्रभु मैं क्या बताऊं, आज मेरे भाग्य एवं आपके करुणा की पराकाष्ठा हो गई कि आपने मुझे इतना शीघ्र दर्शन कर दिया। आज मुझको आप इतना जल्दी दर्शन दे दिए, इतना जल्दी आपका दर्शन होना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आज समझ रहा हूँ कि मेरा जो भक्ति, मेरा जो भजन था, ये बहुत जल्दी आपको दर्शन कर ली, भक्ति के द्वारा मैंने आपका दर्शन किया। हे भगवान, आप समग्र सत्व एवं सुख के निधान हैं, आप ही सत्व सुख के खजाने हैं, निधान हैं। आपका दर्शन कर आँखों को सफलता मिल गई। इतने दिन तक आपको देखे बिना कुछ भी देखना न देखने के समान था। जब तक आपको मैं देखा नहीं था तो ये सब व्यर्थ था। हे नाथ, हे कीर्तनीय प्रभु, आप ही वास्तव में कीर्तन करने के योग्य हैं। योग सिद्ध योगी जन बहुत बहुत जन्मों में दीर्घकालीन तपस्या करके बड़े बड़े योगी लोग, बड़े बड़े सिद्ध व्यक्ति बहुत काल तक तपस्या करके आपके दर्शन की प्रार्थना करते हैं, आपको देखना चाहते हैं। यम ब्रह्मा वरुरेंद्र रुद्र मरुतः सुनवंति दिव्य स्तवई, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, योगी लोग, ध्यानी लोग, तपस्वी लोग तपस्या करके आपको देखना चाहते हैं, और आज वही प्रभु हमारे सामने इतना जल्दी प्रकट हो गए। मैं इसको अपना जीवन की सफलता नहीं मानूंगा तो और क्या मानूंगा। प्रभु आज मेरा जीवन सार्थक हो गया, आज मेरा यह आँख सार्थक हो गया। जीव की सभी इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए है। ये मत समझिए कि हम लोगों का हाथ जो है, पैर जो है, मुख जो है, नेत्र है, फालतू काम के लिए है। समस्त इंद्रियां भगवान दिए हैं सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए है। इंद्रियां तभी सार्थक होती है, तभी इंद्रियों को सार्थक माना जाता है, जब वे अपनी विशिष्ट शक्ति से भगवत सेवा करे, अपने शक्ति के द्वारा भगवान की सेवा करे, तभी उसको सार्थक माना जाता है। कर्दम मुनि भगवान को देखने के बाद कहते हैं कि आज मेरा जो नेत्र है वह शुद्ध हो गया, नेत्र की संशोधि हो गई आपको देख करके। इस नेत्र से जब तक प्रभु मैं आपको नहीं देखा था तो यह नेत्र सफल नहीं हुआ था, लेकिन प्रभु आज आपको देख करके मेरा नेत्र सफल हो गया। प्रत्येक इंद्रिया भगवान की सेवा के लिए है। जैसे अम्बरीश जी, अम्बरीश प्रत्येक इंद्रियों से भगवान की सेवा करते थे। भागवत में आप लोग सुने हैं ना, भागवत के नवम स्कंद में वर्णन है, अम्बरीश जी भागवत के नवम स्कंद के चौथा अध्याय में बहुत सुंदर भगवान की सेवा किए हैं। प्रत्येक इंद्रियों से भगवान का सेवा किए हैं। सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्रा स्पर्शेंग संगमं घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्यारसनात्तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरोर्हृषिकेश पदाभिवंदने कामं च दासे न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयादति।
अम्बरीश जी अपने प्रत्येक इंद्रियों से भगवान की सेवा की है। इसीलिए यहाँ आचार्य गण कह रहे हैं कि प्रत्येक इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए होती है। हाथ का काम है, मुख का काम है, पैर का काम, कान का, सिर का, प्रत्येक इंद्रियों को आप भगवान के सेवा में लगा सकते हैं, जैसे अम्बरीश जी ने लगाया। अम्बरीश जी क्या किए थे कि अपने मन को कृष्ण के चरणारविंद में लगा दिए थे। सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो हो, भगवान के दोनों चरण कमलों में अपने मन को लगाए हुए थे और अपने वाणी को कहाँ लगाए थे, वचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने, वचांसी वाणी को भगवान वैकुंठ नाथ के गुण वर्णन करने में लगाए थे, भगवान के कथा कहने में अपने वाणी को लगा दिए थे या नाम जपने में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अपने वाणी को भगवान के गुण वर्णन करने में लगाए थे। और करऊ, करऊ कहते हैं, कर कहते हैं हाथ को, करऊ दो वचन है, द्विवचन, तो इन दोनों हाथों को किस में लगाए थे, हरि के मंदिर मार्जन करने में। मार्जन का मतलब होता है सफाई, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, मंदिर की सफाई करनी चाहिए, मंदिर को जाकर के साफ करना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए, जल से उसको धोना चाहिए, कहीं गंदगी दिखाई दे तो उसको पोछना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्यों करूँगा, मैं इतना सुंदर कपड़ा पहना हूँ मैं करूँगा, ये तो नौकरों का काम है ना, नहीं, जा करके उसको पोछना चाहिए, कहीं गंदगी तो नहीं ना है, अपने हाथों से मंदिर का मार्जन करने में। अम्बरीश जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, अम्बरीश जी के विषय में कहा गया कि अम्बरीशो महाभाग सप्त द्वीपवती महिम, सातों द्वीप के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके सामने धन ऐसे था ढेला जैसा, मिट्टी जैसा पड़ा हुआ था और धन को मिट्टी की तरह समझते थे, उनके सामने धन दौलत इतना पड़ा हुआ था उसमें वो आसक्त ही नहीं थे। इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद में भी अम्बरीश जी ने नौकर से काम नहीं करवाते थे, स्वयं करते थे। चाहते तो 10-20 नौकर लगा सकते थे, हजारों नौकर को लगा सकते थे, लेकिन नहीं, मंदिर की सफाई करने की बात आती तो स्वयं करते। कीर्तन करना होता तो अपने स्वयं कीर्तन करते, और क्या करते थे, श्रुतिम चकारा चितसत कथोदय, श्रुतिम, श्रुतिम कहते हैं कान को, कान से क्या करते थे कि भगवान अच्युत की कथा को सुनते थे। जहां भी कथा होती थी, कृष्ण कथा होते ही, प्रारंभ होते ही, प्रारंभ होने से पहले ही बैठ जाते थे और एक एक शब्द को बड़े सावधानी के साथ में, बड़े ध्यान के साथ में सुनते थे। और नेत्र से क्या करते थे, दृशव नेत्र को कहते हैं, नेत्र से क्या करते थे कि मुकुंद लिंगा लय दर्शन दृशव, भगवान मुकुंद के लिंग, लिंग कहते हैं श्री विग्रह को, लिंग का मतलब क्या होता है, विग्रह, श्री विग्रह, भगवान के छवि, भगवान के रूप, भगवान के सुंदर मूर्ति का दर्शन अपने दृश्य, अपने दोनों नेत्रों से देखते थे, भगवान के सुंदर छवि का दर्शन करते थे, जा करके भगवान के मंदिर में जाते थे, दर्शन करते थे, देखते थे, भगवान को रोज देखना चाहिए। नेत्र का काम है भगवान के सुंदर रूप को देखना। इस तरह उनका नियम था। तो हम लोगों को अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। प्रत्येक इंद्रियों का काम है भगवत सेवा, भगवान की सेवा। पैर से क्या करना चाहिए कि चरण से भगवान के स्थान में जाकर के घूमना चाहिए। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, सर्पण करना चाहिए,
विचरण करना चाहिए, पैर से जा करके परिक्रमा करना चाहिए गिरिराज जी की, ब्रजमंडल 84 कोष की परिक्रमा करनी चाहिए, समय मिले तो जा करके करना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं कि कार्तिकेय में जाना चाहिए, कभी कभी लोग कहते हैं कि भीड़ में जाना चाहते हैं, समय हो अगर आप जा सकते हैं तो जाइए, माना नहीं है कार्तिक में जाने के लिए, लेकिन अगर खूब अच्छा से दर्शन करना है, खूब अच्छा से परिक्रमा करना है तो बिना भीड़ वाला समय में जाना चाहिए, जब भीड़ ना हो तब ब्रज में जाकर के दर्शन करना चाहिए, तो और अच्छा से भगवान के चरण चिन्ह को देखेंगे। मैं अभी गया था ब्रज दर्शन कर रहा था 10 दिन, बहुत सुंदर ढंग से जा रहा था, एक एक जगह पर दो दो बार तीन तीन बार गया। भीड़ में क्या होता है कि बहुत लोग आ जाते हैं, हटो 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 हटो, ऐसे नहीं, वहाँ जाइए भगवान के चरण को देखिए कैसे भगवान का चरण चिन्ह बना हुआ है, भगवान वहाँ पर कैसे लीला किए हैं ब्रज में 84 कोष में, बहुत सुंदर सुंदर जगह है, कुछ प्रसिद्ध स्थानों को हम लोग देखते हैं। भगवान के उस स्थान में जाना चाहिए जहाँ कोई नहीं जाता है, वहाँ और जाना चाहिए और वहाँ जाकर के कुछ देर बैठना चाहिए, उन लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, पाद अपने पैर से पैदल चलना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि जितना हो सके हम पैदल चले, हो सके तो बिना जूता चप्पल के चले, क्योंकि भगवान कभी ब्रज में चप्पल जूता पहन करके नहीं चले हैं, बिना जूता चप्पल के चले हैं। भगवान कहते थे कि हमारी गायें बिना जूता चप्पल के चलेंगी और मैं जूता पहनूंगा, मैं चप्पल पहनूंगा, भैया अगर तुमको इतना मोह है मुझसे तो मेरे स्वामी को भी पहनाओ, मेरे गाय स्वामिनी हैं, स्वामी हैं, इन लोगों को जूता पहनाओगी तब मैं भी जूता पहन लूँगा, मैं भी चप्पल पहन लूँगा, और नहीं तो हमारे स्वामी बिना जूता चप्पल के चलेंगे और मैं ऐसे चलूँगा। तो करना क्या चाहिए कि ब्रज में जा कर के, अथवा भगवान की जो भी लीला स्थली है, ब्रज ही नहीं और भी भगवान के लीला स्थली है, जैसे मायापुर है, जगन्नाथपुरी है, द्वारिकापुरी है, हस्तिनापुरी है, हस्तिनापुर में भी पैदल जा कर के दर्शन करना चाहिए, जा कर के परीक्षितगढ़ जाना चाहिए, पैदल यहाँ से कभी कभी चल देना चाहिए दर्शन करने के लिए। इस क्षेत्र में भगवान प्रायः आते थे, बार बार आते थे, सबसे ज़्यादा भगवान भाग भाग करके आते थे तो इधर ही आते थे, क्योंकि यहाँ मैया कुंती रहती थी, कुंती जी बड़ा प्रेम करती थी भगवान से, युधिष्ठिर महाराज बड़ा प्रेम करते थे, बड़े प्रेम से कृष्ण को खिलाते पिलाते थे, भीम बड़ा स्नेह करते थे भगवान से, छोटे अर्जुन थे, अर्जुन भी प्रेम करते थे, सभी भाई प्रेम करते थे। तो जहाँ भी भगवान के लीला स्थली है वहाँ पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, हरि क्षेत्र, हरि का जो क्षेत्र है, हरि का जो स्थान है, वहाँ पर चल करके जा करके हम लोगों को दर्शन करना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए, और भगवान के चरणों में भगवान को भोग लगाया हुआ जो तुलसी पत्र है उसी को अपने मुख में डालना चाहिए, खाना चाहिए, बिना तुलसी पत्र लगाए कोई भी वस्तु को नहीं सेवन करना चाहिए, जो भी खाने की इच्छा है तो उसमें तुलसी पत्र को डाल करके ही ग्रहण करना चाहिए, अर्थात भगवान को भोग लगा करके, अथवा भगवान को जो भोग लगा हुआ चीज है उसी को अपने रसना पर डालना चाहिए, अपने जिह्वा पर ले जाना चाहिए, जो भोग नहीं लगा है वो कितना हो देखने में अच्छा क्यों ना हो, अच्छा होता ही नहीं है, उसको नहीं खाना चाहिए, अच्छा वही है जिसमें तुलसी पत्र डल गया है, अगर जल ही क्यों ना हो उसमें अगर तुलसी पत्र पड़ गया तो भगवत प्रसाद हो गया, उसे स्वीकार करना चाहिए, उसे ग्रहण करना चाहिए, ऐसे अम्बरीश जी करते थे। तो इसी बात को यहाँ करदम जी भी कह रहे हैं कि प्रभु आज हमारा नेत्र सफल हुआ है आपके सुंदर रूप को देख करके, यद दर्शनम जन्म भिरीव्य सदभी, आज मैं आपके दर्शन किया तो दर्शन करने से आज मेरा जीवन सार्थक हो गया, मेरा यह नेत्र सफल हो गया, जिस रूप को देखने के लिए बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े सन्यासी लोग भी तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, ध्यान करते हैं, तब आपका यह रूप थोड़ा समय के लिए सामने आता है,
बहुत कम समय के लिए थोड़ा सा झलक दिखाई देता है, ज़्यादा टिक नहीं पाता है। जो जितनी श्रद्धा के साथ में भगवान की उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, उसको उतना ही देर तक भगवान दिखाई देते हैं। तो वही छवि आज आप हमारे सामने दर्शन दे रहे हैं प्रभु। आज मैं समझ रहा हूँ कि मेरा नेत्र सफल हो गया, आपके सुंदर रूप को देख करके, सुंदर सौंदर्य को देख करके आज मेरा जीवन सार्थक हो गया है। तो इस तरह करदम जी भगवान के चरणों में स्तुति करें। केवल एक श्लोक अभी बोला हूँ, आगे की कथा हम लोग कल सुनेंगे। कथा का टाइम क्या है? हाँ देखिए।